सपोज आपको एक प्रोग्राम राइट करने हैं जिसमें आप किसी भी गिवन नंबर के सारे डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो इसको समझाने के लिए मैं इसको तीन पार्ट में कंप्लीट करूंगा। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो किस लॉजिक के थ्रू हम किसी भी गिवन नंबर के सारे डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें मैं यहाँ पर प्रोग्राम राइट कर दूंगा, कम्प्लीट प्रोग्राम, और उसको ड्राई रन करके उसका शो करूंगा आउटपुट, और उसको किस तरह से कंट्रोल फ्लो हो रहा है वो बताऊंगा। और थर्ड स्टेप में इसके यहाँ पे जो कंप्लीट प्रोग्राम मैं लिखूंगा उस सेम प्रोग्राम को मैं कंप्यूटर पर रन करके शो करूंगा कि जो भी हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो फर्स्ट पार्ट है कि किसी भी नंबर के हम जितने सारे डिजिट है कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो देखते हैं। जैसे एक नंबर मैंने लिया 754, ओके, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, और किसी भी नंबर का अगर हमें डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको हम बेस से डिवाइड करते हैं। तो इसका जो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है 10 होता है, ओके, तो यहाँ पे मैं 10 से डिवाइड करूँगा, तो 10 से डिवाइड करने पे यहाँ पे क्या आ गया 70, देन 5, देन 50 एंड देन 4। इसका जो क्वेश्चन आया इसको अब दोबारा से हम लेते हैं और इसको दोबारा से हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 70 एंड देन यहाँ पे 5, ओके। इसका जो क्वेश्चन आया 7 आया, यहाँ पे दोबारा से लेते हैं और इसको 10 से डिवाइड करते हैं। तो इस बार अब क्या होगा कि ये जो 10 है ना, ये 7 से ऑलरेडी ग्रेटर है, तो इसको हम और डिवाइड कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन होगा इसका 0 हो जाएगा, और 10 × 0 = 0 हो जाएगा, और 7 − 0 तो 7 हो जाएगा। अब अगर आप इसमें देखोगे तो एक पैटर्न दिखेगा, वो पैटर्न ये है कि जो पहला रिमाइंडर जो हमारा आया वो पहला डिजिट था, जो सेकेंड रिमाइंडर आया वो सेकेंड डिजिट था, जो थर्ड रिमाइंडर आया वो थर्ड डिजिट था। तो यानी कि हम जब डिवाइड करेंगे और जो भी हमारा रिमाइंडर आता जाएगा वही हमारा डिजिट होगा, ये तो पता चल गया। सेकेंड क्या हो रहा है कि पहले ये जो नंबर था 754 था और बाद में ये 75 हो गया, यानी कि एक जो डिजिट है यहाँ से गायब हो गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डिवाइड साइन यूज़ करते हैं। तो यानी कि जैसे कोई भी नंबर लेता हूँ, जैसे 35, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो 3.5 होगा, मतलब किसी भी नंबर को जैसे 750 अगर इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 75 आएगा। यानी कि कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं तो उसको हम जब 10 से डिवाइड करते हैं तो एक डिजिट गायब हो जाता है। यहाँ पे बस ये हो रहा है कि यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो भी नंबर होगा ना उसको हम इंटीजर में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर ले लिया, तो इस इंटीजर जब हम वो डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो ये जो वैल्यू है जो डेसिमल वाला वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो सिंपल सा हमें दो स्टेप फॉलो करने हैं, पहला कि एक तो डिजिट एक्सट्रैक्ट करने हैं, और डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम मॉड्यूलो साइन यूज़ करते हैं, और दूसरा जो स्टेप होगा कि नंबर को हम डिवाइड कर देंगे 10 से। तो बस यही लॉजिक को हमें इम्प्लीमेंट करना है, और ये जो हमें प्रोसेस है तब तक कंटिन्यू रखने हैं जब तक कि वो नंबर 0 ना बन जाए। जैसे ही नंबर 0 बना हम प्रोसेस वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो अब मैं कंप्लीट प्रोग्राम लिखता हूँ और उसको ड्राई रन करके शो करूँगा। हैश इंक्लूड stdio.h मेन इंटीजर डिजिट नम प्रिंट एंटर एनी नंबर स्कैन एफ परसेंट डी एंड नम वाइल num is greater than 0 digit is equal to num modulo operator 10 num is equal to num divide by 10 printf digit। तो यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम लिख दिया, और ये जो मैंने दो इंटीजर वेरिएबल लिए, जो पहला है डिजिट है जिसमें हम डिजिट स्टोर करेंगे, और सेकंड जो है नम जिसमें हम नंबर को स्टोर करेंगे। यहाँ पे पहला लाइन जो है एंटर एनी नंबर, आउटपुट आएगा एंटर एनी नंबर, एंड सेकंड में हम नंबर को स्टोर कर रहे हैं नम में। अब मैं यहाँ पे व्हाइल लूप यूज कर रहा हूँ, तो इसमें क्या कि नम इज ग्रेटर देन 0, यानी कि नंबर का जो वैल्यू है जब तक 0 से ग्रेटर रहेगा तब तक ये इसके अंदर वाली जितने स्टेटमेंट है ना वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। इस व्हाइल लूप पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन करा है कि इसका कंट्रोल फ्लो कैसे करता है और ये कैसे वर्क करता है। देन ये जो लाइन है यहाँ पे डिजिट, तो डिजिट में हम क्या कर रहे हैं कि जो नंबर है, नंबर जो हमारा इसमें स्टोर कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, और ये मॉडुलो ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मॉडुलो ऑपरेटर क्या करता है, वो जितनी उसका जो डिजिट है वो एक्सट्रैक्ट करके देता है और ये असाइन हो जाएगा डिजिट में। और फिर हम नंबर को क्या कर रहे हैं कि 10 से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि वो जो एक डिजिट वहाँ के गैप कर देगा, तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है कि प्रिंट है, मैं यहाँ पे जो भी डिजिट हमारा इसमें स्टोर है वो प्रिंट कर रहे हैं।
और यहाँ पे जो ये मॉडुलो ऑपरेटर है और ये डिवीजन ऑपरेटर है, ये जब हम डिवीजन ऑपरेटर इंटीजर पे करते हैं तो वो क्या करता है ना कि डेसिमल वाला पार्ट डिस्कार्ड कर देता है, और जब ये यूज़ करते हैं तो ये डिजिट एक्सट्रैक्ट करके देता है। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने की, कितने सारे ऑपरेटर्स हैं उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहो तो ये देख सकते हो अगर इसमें डिटेल में जानना है तो। अब क्या करते हैं कि इस सेम प्रोग्राम को लेके एक नंबर में लेता हूँ और ड्राई रन करके शो करता हूँ कि जो हमारा जो आउटपुट है क्या आता है। एक नंबर लेते हैं जैसे 756। ओके तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, एंटर नंबर देन स्कैनएफ। तो स्कैनएफ करने के बाद जो ये वैल्यू है वो नम में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक नम वेरिएबल ले लिया है और ये डिजिट है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना है 756। अब ये यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा कि व्हाइल नम इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो नम की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही, 756 है। इज़ ग्रेटर देन जीरो तो कंडीशन ट्रू मिलेगी, तो इसके अंदर वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी जितने स्टेटमेंट हैं। तो यहाँ पे क्या है कि डिजिट इज इक्वल टू नम मॉडुलो 10, तो जो नम में वैल्यू है वो अभी कितना है 756 है, 756 मॉडुलो 10। तो ये जो क्या करेगा कि 6 दे देगा, जो डिजिट दे देगा 6, तो ये वाली जो 6 वैल्यू है वो आके डिजिट में स्टोर हो जाएगी 6। देन अब क्या कर रहे हैं कि नम को 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो अभी जो वैल्यू है 756 है इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा 775। तो अब ये जो वैल्यू है वो 75 हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड करके उसी पे अपडेट कर रहे थे, यानी कि जो भी वैल्यू हमारा था वो अपडेट हो जाएगा पहले ये एग्जीक्यूट होने के बाद, और सेम उसी वेरिएबल पे एग्जीक्यूट होके स्टोर हो जाएगा, तो 75 हो गया। देन प्रिंट है, जो भी डिजिट में वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, तो हमारा ये आउटपुट अगर स्क्रीन है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 6। देन यहाँ पे कंट्रोल आएगा, दोबारा से चेक करेगा 75 इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, तो यानी कि दोबारा आने के बाद डिजिट दोबारा से ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और इस बार जो नम में वैल्यू है वो कितना है 75 है, यानी कि यहाँ पे 75 मॉडुलो 10 हम 10 यूज़ कर रहे हैं, तो यानी कि ये जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उस बार क्या होगा, ये हमारा 5 दे देगा, जो डिजिट है वो 5 दे देगा, तो यानी कि जो डिजिट है ये स्टोर हो जाएगा यहाँ पे 5। उसके बाद क्या होगा, ये अपडेट हो गया, फिर नम नम में अभी क्या है वैल्यू हमारा 75 है, 75 को हम दोबारा से 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 से डिवाइड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 7 बन जाएगा, तो ये जो नम है ये यहाँ पे 7 स्टोर हो गया। देन प्रिंट क्या कर रहे हैं, डिजिट, डिजिट में इस बार वैल्यू क्या है 5 है, तो ये नेक्स्ट लाइन में हमारा 5 प्रिंट कर जाएगा, यहाँ पे स्लैश एन यूज़ किया है मैंने नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए। उसके बाद ये हमारा प्रिंटअप हो गया, फिर दोबारा से व्हाइल कंडीशन यहाँ पे आएगा, चेक करेगा नम इज ग्रेटर देन जीरो, इस बार जो नम की वैल्यू है 7 है, 7 इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर आएगा फिर डिजिट, डिजिट नम मॉडुलो 10, तो इस बार जो वैल्यू है वो नम में कितना है 7 है, तो 7 मॉडुलो 10। तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला लास्ट स्टेप था जिसमें हम क्या, ये जो 7 है ऑलरेडी छोटा है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में जो क्वेश्चन होगा वो 0 हो जाएगा और रिमाइंडर सेम रहेगा, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो यानी कि ये जो 5 है ये स्टोर अपडेट हो जाएगा 7 से। एंड देन नम, नम में इस बार जो वैल्यू है कितना है 7 है, यहाँ पे इसको हम 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो यहाँ पे जो वैल्यू है 0 हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 दे देगा, एंड देन प्रिंटअप कर देगा जो डिजिट, जो तो डिजिट इस बार क्या है 7 है, तो यहाँ पे हमारा क्या कर देगा, डिजिट प्रिंट कर देगा 7। दोबारा से कंट्रोल यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा कि व्हाइल नम इज़ ग्रेटर देन 0, तो जो नम है वो अभी वैल्यू कितना है 0, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है फॉल्स हो जाएगी, और यहाँ पे जो व्हाइल लूप है एंड हो जाएगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा, फिर हमारा जो आउटपुट है हमें 657 दिख जाएगा, तो जो डिजिट हमारा एक्सट्रैक्ट होगा वो रिवर्स ऑर्डर में हमें दिख जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये जो हर एक लाइन एकदम फुल्ली क्लियर हो गया होगा कि इसमें कौन सी लाइन का क्या वर्क हो रहा है और कैसे हमें आउटपुट मिल रहा है। तो अब अगर मैं ये प्रोग्राम सेम रन करूँगा कंप्यूटर पे तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो अब सेम प्रोग्राम मैं कंप्यूटर पर रन करता हूँ और इसका आउटपुट दिखाता हूँ। मैं कोड ब्लॉक ओपन करता हूँ, एक नया फाइल लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन से, और इसको सेव कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट डिजिट हैश इंक्लूड stdio.h print f percent d slash n and then digit print कर देंगे। अब मैंने control s से सेव कर दिया है और इसको build and run करते हैं। ओके, तो अपना प्रोग्राम रन कर रहा है।
तो अब यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करना है, जैसे 567 दिया मैंने, तो ये देख सकते हो आप 765 हमारा डिजिट एक्सट्रैक्ट होके आ गया। इसको दोबारा से रन करता हूँ मैं, और इस बार थोड़ा लॉन्ग नंबर देता हूँ, जैसे 874563 एंटर करता हूँ, तो देख सकते हो आप कि 365478 आ गया। तो अब आप देख सकते हो कि अपना प्रोग्राम एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है।